हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्लानिंग द ट्रिप। तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं रेडिसन ब्लू फरीदाबाद में। सो टुडे इज़ आवर एनिवर्सरी एंड वी डिसाइडेड टू कम टू रेडिसन ब्लू फरीदाबाद। और जैसा कि हमने सोचा था कि हम लोग कहीं बाहर चलेंगे घूमने, बट बिकॉज ऑफ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बिकॉज वी ओनली हैड अ वीकेंड, सो वी डिसाइडेड कि कहीं नियर बाई चल लेते हैं। सो फरीदाबाद रेडिसन ब्लू इज़ अ वेल नोन नेम, इसके हमने रिव्यूज़ भी देखे थे, सो रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे लगे हमें, और उसी को देख के हमने डिसाइड किया कि लेट्स गो टू रेडिसन ब्लू। रेटिंग भी अच्छी है इसकी, और एज़ यू ऑल नो दैट इट्स अ 5-स्टार होटल। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर एक्सपीरियंस। सो एक्चुअली व्हेन वी एंटर्ड द होटल प्रिमाइस इज़ गुड। एक्चुअली स्पेस थोड़ा कम है, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग काइंड ऑफ अ लॉन और काइंड ऑफ अ गार्डन जहाँ पे कृष्णा खेल सके, एंड बट काफ़ी मतलब ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। और एग्जैक्टली जो मेट्रो स्टेशन है उसके बिल्कुल सामने ही ये होटल है एक्चुअली। और अंदर का जो एम्बियंस है काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी कंफर्टेबल है। स्टाफ इज़ लाइक वेल मैनर्ड और अच्छा स्टाफ है, काफ़ी कोजी इन्वायरमेंट है। सो व्हेन लाइक वी गॉट द की ऑफ आर रूम एंड वी एंटर्ड आर रूम, सो एज एक्सपेक्टेड रूम इज़ क्वाइट कोजी, एवरीथिंग इज़ वेल सेटल्ड। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको जो रूम टूर है हम आपको वो करा देते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, रूम में जो वॉशरूम है वो बहुत वेल मेंटेन्ड है, क्लीन है। जो ड्रेसिंग एरिया यहाँ पे मिला है, आप उसके बैक साइड में देख सकते हैं। यहाँ पे आयरन करने के लिए भी आपको एक प्रोविजन दिया हुआ है कि अगर आपको अपने ड्रेसेस को आयरन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसमें आपको ड्रेसेस हैंग करने के लिए प्रॉपर पोर्शन दिया हुआ है, जैसा कि होटल्स में मिलता है हमें। और अगर हम रूम्स, बेड और रूम के अंदर के एनवायरनमेंट की बात करें, तो ऑफ कोर्स दिस इज वेरी कोजी एनवायरनमेंट। सो फ्रेंड्स, एक्चुअली द रूम फैसिलिटीज़ आर क्वाइट द सेम दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अ 5-स्टार होटल। सो एवरीथिंग वॉज अवेलेबल। द ओनली थिंग दैट आई मीन लाइक दैट वी डिडंट लाइक इज़ वी बुक्ड अ सिंगल बेड, बट वी गॉट अ ट्विन बेड। एंड व्हेन आई एक्चुअली आस्क्ड द रिसेप्शन दैट व्हाई आई वाज प्रोवाइडेड दिस ट्विन बेड, सो व्हाट दे सेड इज़ लाइक ऑल रूम्स आर क्वाइट ऑक्यूपाइड और ये थोड़ा वीकेंड पे रशी टाइम होता है, सो अभी जो अवेलेबल था वो हमने आपको दे दिया। सो दिस थिंग आई डिडंट लाइक एक्चुअली, बिकॉज फॉर अ 5-स्टार होटल ईच कस्टमर शुड काउंट। सो आई मीन लाइक हियर आई मीन दिस इज समथिंग दैट आई डिडंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अ होटल काइंड ऑफ आई मीन लाइक रेडिसन। सो अगेन आई मीन लाइक आफ्टर सम टाइम द रिसेप्शनिस्ट कॉल मी बैक एंड शी टोल्ड शी हैज़ अरेंज सम रूम, एंड द रूम एक्चुअली दे शिफ्टेड अस वॉज अ काइंड ऑफ डिफरेंट रूम, बट दे वर सेइंग दैट इट्स अ सेम कैटेगरी रूम, बट इट वॉज आई मीन डेफिनेटली वी फेल्ट दैट दिस इज नॉट अ सेम कैटेगरी रूम, एंड ऑब्वियसली द व्यू वॉज नॉट द सेम। एक्चुअली देर आर सो टू साइड्स, फ्रंट और बैक। इन फ्रंट साइड यू कैन सी द मेट्रो एंड द रोड एरिया विच इज जस्ट लाइक मॉडर्न सिटी, एंड द बैक साइड इज जस्ट जुगीज एंड ऑल, जुगीज एंड ऑल, राइट। जो रूम हमें पहले अलॉट हुआ था, उस रूम का जो व्यू था विंडो ओपन करने के बाद, दैट इज द जस्ट लाइक मॉडर्न व्यू काइंड ऑफ थिंग। और उसमें भी ये था कि जो रनिंग रोड है वहां से हमें वो दिख रही थी, मेट्रो व्यू था। और उसके बाद में जब हमें शिफ्ट किया गया, वो था एकदम जुगीज वाला एरिया। आपको हम दिखाते हैं, ये पीछे पूरा जुगी वाला एरिया है जिसमें आपको विंडो डेफिनेटली ओपन करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा।
और एक और चीज़ थी जो हमें फ्रंट व्यू वाला जो हमें रूम अलॉट किया था वहाँ पे काउच था विच इज़ ऑन विंडो और जिस पे कृषि ने बहुत मज़ा किया था। और ऑफ कोर्स वो एक अगर आपको बाहर का नज़ारा देखना है और आपको वो इन्जॉय करना है तो वहाँ पे काउच था, बैठ के उस जगह को आप इन्जॉय कर सकते थे। बट जो बैक साइड वाला है जिसमें हमें शिफ्ट किया गया था वहाँ पे वो नहीं था। एंड वी व्हेन वी आस्क देम, आई मीन आफ्टर 1 मिनट एंड वी सेड लाइक आई डोंट वॉन्ट दिस रूम एंड वी वॉन्ट टू शिफ्ट टू द प्रीवियस रूम जो पहले हमें अलॉट हुआ था 2 इन बेड वाला, वी वॉन्टेड टू गो देयर बट दे सेड कि ये हमने किसी और को अलॉट कर दिया विद इन अ मिनट, सो विच वी डिडंट लाइक एक्चुअली। दोस्तों ये हमने जब रूम बुक किया था तो हमने मेंशन किया था दैट दिस इज आर एनिवर्सरी, सो इससे पहले भी हम जहाँ पे अपनी एनिवर्सरी पे गए हैं तो वहाँ पे हमने देखा है कि होटल्स में एटलीस्ट आपको लिटिल बिट ऑफ डेकोरेशन या समथिंग कुछ आपको होटल प्रोवाइड कराता है। तो बीइंग अ 5-स्टार होटल हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया था बुकिंग के टाइम पे और इवन हमारी फोन पे भी बात हुई थी तो दे सेड नो टू आई मीन डू एनीथिंग। तो यहाँ रूम में कुछ भी नहीं था, नॉट अ सिंगल थिंग, तो वो हमें एक छोटा सा ड्रॉबैक लगा कि एटलीस्ट आप अपने कस्टमर को रिटेन करने के लिए, अपने कस्टमर को हैप्पी करने के लिए आप कुछ भी छोटा मोटा कर दे तो मे बी वी इंजॉय दैट। तो दोस्तों इस होटल में हमें कृषिका के लिए मीन किड्स के लिए यहाँ पे हमें सिर्फ पूल ही मिला था और हमें यहाँ पे किड्स प्ले जोन नहीं दिखाया यहाँ कोई भी, तो सिर्फ किड्स आपके पूल में एंजॉय कर सकते हैं और उसके लिए भी ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा अगर आप अपने साथ स्विमिंग कॉस्ट्यूम या फिर बच्चे के लिए ट्यूब अगर आप लेकर आना चाहें तो आप वो लेकर आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट्यूम के जो चार्जेस थे वो थे 600+, वो 600+ थे, ये पर पर्सन कॉस्ट है। बाकी हम यहाँ पे अगर रेस्टोरों की बात करें तो यहाँ पे बार्स हैं, यहाँ पे रेस्टोरों है, टी कैफे है यहाँ पे और स्पा स्पा, यहाँ पे स्पा जिम, आपको स्पा और जिम भी मिलेगा। यहाँ पे एक बैंक्वेट हॉल भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे फंक्शंस होते रहते हैं और कल भी यहाँ पे फंक्शन था। दोस्तों अगर हम यहाँ पे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की बात करें तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट यहाँ पे हमें हमने जो बाकी के होटल्स में ट्राई किया था वो एवरेज था और बट यहाँ का जो स्टाफ था जिन्होंने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट सर्व किया दे आर वेरी काइंड और उन्होंने थोड़ी थोड़ी देर में आके पूछा हाउ इज द फूड और वो हमें अच्छा लगा कि देवर ग्रीटिंग अस। जैसे हमारे साथ कृषिका भी थी तो वो कृषिका के लिए भी डोनट सर्व किया उन्होंने और देवर आस्किंग अगेन एंड अगेन कि यू वॉन्ट समथिंग और नॉट, तो वो हमें अच्छा लगा। So overall, it was we'll say average experience. Not too good, not too bad, but yeah, I mean like the experience we were expecting from a 5-star hotel, this was quite not up to the mark. But okay, that's fine. I mean like other than few glitches, like we already mentioned that they provided us some you know different room and they were just I mean like giving us excuses that hotel is fully occupied and we don't have any additional room. So I mean like other than that our experience was average. We will recommend this hotel only in case you are not getting I mean like anything else worth your money, but I mean the cost you pay here is what we feel is not quite value for money. So yeah, you can think of it. Okay, so guys, this is just a disclaimer. This is our personal experience and this is not kind of we are not rating the complete Radisson group. It's just a branch of Radisson here, Radisson Blu in the Faridabad. And yeah, I mean like we are not sure about other Radisson branches because we have not been there. So this is particularly about this branch. So we'll keep sharing our experience as and when we visit other branches and we'll share our experience. Thanks a lot. थैंक यू, थैंक यू गाइस। तो दोस्तों हम फाइनली अपने घर पहुंच चुके हैं।
और इस वीडियो को कॉन्टिन्यूशन में हमने इसलिए रखा क्योंकि हम आपके साथ कुछ शेयर करना चाहते थे। जैसा कि हमने अपने वीडियो में मेंशन किया था कि क्या क्या चीज़ें हमने फेस की थी होटल में, तो होटल से चेकआउट करते टाइम हमें जो वहाँ ड्यूटी मैनेजर थे वो मिले थे, उन्होंने चेकआउट के टाइम पे जब हमसे हमारा एक्सपीरियंस पूछा कि होटल में स्टे का हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, हाउ वाज द फूड एंड एवरीथिंग, तो जो जो चीज़ें हमने फेस की थी हमने उनके साथ शेयर की। जब हमने अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर किया तो ही रियली फेल्ट अबाउट दैट। एंड तो हमने उनसे शेयर किया था कि हमने ये जो हमारी जो विजिट थी ये होटल में, ये हमने एज अ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हमने यहाँ पे चेक इन किया था, तो एज अ कॉम्प्लीमेंट्री उन्होंने हमें ये गिफ्ट दिया था। इसमें उन्होंने हमें चॉकलेट कपकेक दिए थे एज अ कॉम्प्लीमेंट्री। तो दोस्तों ओवरऑल आई मीन कंसिडरिंग रेटिंग 5-star होटल एंड द ब्रांड, आई वुड से दिस वॉज द नाइस ट्रिप, नॉट एक्सीलेंट बट येस दिस वॉज अ नाइस ट्रिप। तो दोस्तों बाकी आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, जैसे कि हम आने वाले और जो हमारे ट्रिप्स होंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।